This video is for educational and informational purpose only. Mutual fund and stock talked about in this video are purely used as an example. This video is not meant for advisory or recommendation purpose. Hello everyone, welcome back to Alice Blue Online YouTube channel. आज के इस वीडियो में हम जानेंगे Antweb platform पे buy और sell किस तरह से किया जाए और उसके variables क्या क्या है। शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ऑन रखें जिससे हम आपको अपकमिंग अपडेट्स रेगुलर देते रहे। सबसे पहले आपको n.aliceblueonline.com पे जाना है। वहां पर आपको लॉगिन करना है अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से। लॉगिन करते ही आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा जहां पर डैशबोर्ड रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर प्री डिफाइंड मार्केट वॉच में निफ्टी बैंक पे मुझे ICICI बैंक में ऑर्डर प्लेस करना है। सिंपली मैं ICICI बैंक पे वहां पे बाय पे क्लिक करूंगा और मेरे सामने एक पॉपअप विंडो आ जाती है। पॉपअप विंडो में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है जहां पर ICICI बैंक का सिंबल है, वहां पर NSE और BSE का रेट भी दिया गया है और उसके साथ यहाँ पर एक बटन आइकॉन दिया गया है जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हो बाय से सेल और सेल से बाय में। रेगुलर में MIS है। MIS का मतलब होता है कि आपका ऑर्डर जो भी MIS में रहेगा वो डे में मार्केट खत्म होने से पहले स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। इसका मतलब कि आपका जो भी इंट्राडे ट्रेड रहेगा वो हमेशा MIS पे रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 20 क्वांटिटी मुझे बाय करनी, तो यहाँ पर 20 क्वांटिटी में टाइप करूंगा। प्राइस यहाँ पर जो रहेगी वो मैं मेरे हिसाब से सिलेक्शन भी कर सकता हूँ, जैसे कि 998। अदरवाइज मैं मार्केट रेट से भी जा सकता हूँ और यहाँ पर मैं बाय करके यहाँ पे ट्रेड कर सकता हूँ। सेम उसी तरह सेल पे भी वैसा ही होगा, जहां पर आप 20 क्वांटिटी अगर सेल करनी है तो यहां पर रेट देखकर आप सेल कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर आपको मार्केट रेट से ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है तो मार्केट सिलेक्ट करके यहां पर सेल कर सकते हो। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है यहां पर स्टॉप लॉस का। स्टॉप लॉस का जनरली मतलब होता है कि आपको मार्केट रेट के अबोव बाय करना है तो आपको स्टॉप लॉस यूज करना है, या तो फिर मार्केट रेट से बिलो आपको सेल करना है तो आपको स्टॉप लॉस यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर 1010 में ICICI बैंक बाय करनी है, तो यहाँ पे 1010 में टाइप करूंगा। जैसे ही टाइप करूंगा यहाँ पर ट्रिगर भी मुझे देना पड़ेगा, तो ट्रिगर में मैं यहाँ पर दूंगा 1012। इसका मतलब हुआ कि 1010 से लेके 1012 के बीच में मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये रेंज रहती है जहां पर मार्केट में जंप आते हैं, तो वहां पर आपको 10 रुपए से 12 रुपए, मतलब कि 2 रुपए के डिफरेंस में आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। सेम वाइसा वर्सा अगर आपको सेल का स्टॉप लॉस डालना है, तो जैसे कि यहाँ पर मुझे 998 से मुझे सेल करना है तो यहाँ 998 रखूंगा और उसके बिलो वाला प्राइस यहाँ पर रखूंगा जैसे कि 994। इसका मतलब ये हुआ कि 98 से 94 के बीच की जो भी बैंड रहेगी वहां पर मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसके साथ मैं यहाँ पर SL प्लेस कर सकता हूँ। जिस तरह से SL यूज किया है उस तरह से SLM भी यूज करते हो, मगर वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रिगर प्राइस देनी है। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर ट्रिगर प्राइस देनी है 1010 की, तो मार्केट में या तो 101 से ट्रेड हो जाएगा या तो फिर मार्केट रेट से मेरा ट्रेड हो जाएगा जो कि रहेगा मेरा SLM। सेम उसी तरह वाइसा वर्सा आप सेलिंग के लिए भी SL डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 20 क्वांटिटी के लिए मुझे 998 में ऑर्डर प्लेस करना है, तो यहाँ पर 998 दे दूंगा। मार्केट में जब भी 998 का रेट आएगा तो वो रेट से वो ट्रिगर हो जाएगा, अदरवाइज मार्केट रेट से वो ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर CNC ऑर्डर भी है जहाँ पर आपके होल्डिंग्स को बाय कर सकते हो। 20 क्वांटिटी फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर बाय करना है, 1010 पे बाय करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर मुझे वापस SL सिलेक्ट करना है और वहाँ पे 1010 से लेके 1012 पर क्लिक करना है और बाय कर देना है, जिससे मेरा जो ट्रेड रहेगा वो SL से बाय होगा। आप चाहे तो उसको मार्केट रेट से भी यूज कर सकते हो और आप चाहे तो उसको लिमिट लगा के मार्केट रेट में, अभी जैसे कि 1000 रुपीज चल रहा है तो आपको 1000 दे देना है, या तो फिर आपको बाय करना है तो 998 भी दे सकते हो, और इस हिसाब से आप CNC में लिमिट ऑर्डर भी यूज कर सकते हो। सेम उसी तरह वाइसा वर्सा आपको होल्डिंग को सेल करना है तो CNC सिलेक्ट करना है, आपको क्वांटिटी देना है और यहाँ पर आपका जो टारगेट प्राइस रहेगा वो यहाँ पर देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरा 10-10 का टारगेट है, तो मैं यहाँ पर 10-10 रख देता हूँ और सेल कर देता हूँ। हालांकि ये ध्यान रखने वाली बात है कि आपके पास होल्डिंग्स को पहले CDSL से ऑथोराइज करना है, ऑथोराइज करने के बाद ही आप स्टॉक को सेल कर सकते हो। सेम उसी तरह CNC में अगर आपको कोई ऑर्डर लगाना है तो स्टॉक को ऑथोराइज करने के बाद आप यहाँ पर आप SL सिलेक्ट कर सकते हो। SL में जैसे मैंने बताया यहाँ पर आपको 998 और 994 का आपको बैंड रखना पड़ता है और आपको सेल करके वहां पर SL लगा सकते हो। ये SL जो रहेगा 998 से 994 के बीच में अगर मार्केट रेट आता है तो वहां से ट्रिगर हो जाएगा, अदरवाइज आप इसमें SLM लगा सकते हो। SLM में जो भी आपका 998 का रेट है वो लगा के वहां पे आपको सेल कर देना है। मैं आशा करता हूं आपको Antweb पे बाय और सेल की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल चुकी रहेगी, और इसी तरह के और वीडियो के लिए आप Alice Blue Online YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ऑन रखें जिससे आपको अपकमिंग अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।